दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुग्ध उत्पादन की। दुग्ध उत्पादन में ध्यान रखेंगे विश्व में प्रथम स्थान है भारत का। ध्यान रखेंगे ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है हमारी इंडिया की। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात का, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। अब बात करते हैं हम अपने भारत के स्टेट की। भारत के स्टेट की बात करने से पहले पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे है यूएसए, अमेरिका। मतलब देश के एक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति के लिए दूध की उपलब्धता में प्रथम स्थान है यूएसए का, अमेरिका का, है ना। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी में ध्यान रखेंगे, पर कैपिटा प्रोडक्शन में यूएसए फर्स्ट रैंक है, ओवरऑल प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट रैंक है। क्लियर हो गई बात? इतनी बात आपके दिमाग में आ गई होगी। अगली बात करते हैं हम। अगली बात आएगी किसकी? अगली बात आएगी हमारे मध्य प्रदेश के स्टेट्स की। तो अगर मैं अपने मध्य प्रदेश के स्टेट्स की बात करता हूं तो प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है उत्तर प्रदेश की। फिर आता है राजस्थान, और उसके बाद तीसरे स्थान में आता है हमारा मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश का स्थान है तीसरा ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन में। ध्यान रखेंगे इस बात का। अगली बात करते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आखिर दुग्ध इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? न्यूट्रिशन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, या अगर फुल डाइट की बात करूं तो कौन सा है? ध्यान रखेंगे दूध। क्लियर? अब बात करते हैं श्वेत क्रांति की, व्हाइट रिवॉल्यूशन की। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगली बात इसी से करते हैं, ऑपरेशन फ्लड की। ऑपरेशन फ्लड कौन लेकर आया? तो वर्गीज कुरियन लेकर आए भारत के अंदर। मतलब फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया तो वर्गीज कुरियन। क्लियर हो गई बात? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन तो वर्गीज कुरियन। अब वर्गीज कुरियन के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत की एक ऐसी विभूति जिन्होंने मिल्क प्रोडक्शन में भारत को बहुत ही आगे लेके गए। अगली बात करते हैं, कब मनाते हैं हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे। हम मनाते हैं नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को, बिकॉज दिस इज द बर्थडे ऑफ वर्गीज कुरियन। अब अगली बात करते हैं, हमने अपने भारत में देसी नस्लों के संरक्षण के लिए चलाया नेशनल गोकुल मिशन। क्या चलाया बेटा? नेशनल गोकुल मिशन। नेशनल गोकुल मिशन क्या है? देसी नस्लों का संरक्षण। क्लियर हो गई बात? जैसे हमारे मध्य प्रदेश में निमाड़ी गाय है, मालवी गाय है, बहुत फेमस है। ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल मिल्क, नेशनल गोकुल मिशन। क्या बताया मैंने आपको? नेशनल गोकुल मिशन। नेशनल गोकुल मिशन में फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो सॉरी, नेशनल गोकुल मिशन आया कब? 2000, ध्यान रखेंगे 2014 के अंदर, दिसंबर 2014 में आया राष्ट्रीय गोकुल मिशन। क्लियर हो गई बात? ये आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं होलिस्टिक डायमेंशन आपको समझ आया होगा। एमबीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर। उम्मीद करता हूं कि आप उसको परचेज कर लेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है, जैसा उचित लगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।